हेलो फ्रेंड्स, नीरज बिजनेस इंस्टीट्यूट से मैं रमेश महेश्वरी बात करता हूँ। अभी क्रिसमस के लिए कई सारे मोल्ड हमारे यहाँ मिलते हैं, लोग कैंडल बनाते हैं, फिर भी कुछ छोटा सा टिप्स मेरे को देना है तो ये मैं आज आपको इस वीडियो में दूंगा। कई डिजाइन आती है, जो आप मेरा कैटलॉग भी देख लेना जिससे आपको ध्यान में आएगा। तो इस तरह के कुछ मोल्ड हम यूज करके कैंडल बनाते हैं जो क्रिसमस के थीम में काम आता है। अभी कैंडल बनाना आप जानते हैं, तो इसमें क्या चेंज आप कर सकते हैं जो शॉर्ट में मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, और रहा कुछ छोटा सा तो मैं डेमो भी वीडियो में आगे करूंगा। तो ये पूरा वीडियो देखना, सब्सक्राइब भी करोगे तो आपको मेरा नए वीडियो का डिस्क्रिप्शन मिलता रहेगा, और इसको लाइक करो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। नमस्ते कैंडल मेकर, मेरे स्टूडेंट को कुछ इन्फॉर्मेशन मांगता था, ये हमारे मोल्ड के कस्टमर को। तो क्रिसमस कैंडल बनाने के लिए मोल्ड तो आपको मालूम है हमारा स्पेशलिटी है, तो मोल्ड मिलता है, लेकिन कुछ टिप्स यूज करके आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये वीडियो मैंने इसलिए इन्फॉर्मेशन दिया है। अभी समझ लो आपको कैंडल बनाना आता है, उसमें पेंटिंग ये सब भी नॉलेज है। तो फॉर एग्जांपल समझो हम ये कैंडल बनाते हैं, आपने कैंडल बना ली। अब ये सरफेस को आपको कुछ स्नोई इफेक्ट दिखाना है, तो आपके पास दो स्टेप है। एक स्टेप हम नॉर्मली सिल्वर कलर ले लेते हैं, पेंटिंग आपको नॉलेज है, इसको मीडिया में मिक्स करके पेंटिंग करते, तो सिल्वर कलर ले लो, स्पंज से इसको टच कर दो तो यहाँ व्हाइट इफेक्ट दिखेगा, स्नो इफेक्ट दिखेगा, तो ये हमारा मॉडिफाई हो गया। तो ये एक स्टेप है कि हम कुछ पेंटिंग करके इसको चेंज करते। तो दूसरा स्टेप हमारा ये रहेगा कि आप बनाते टाइम भी डबल फिलिंग करो। अभी समझ लो ये हमारा मोल्ड है जिसमें ये कैंडल निकल रहा है, इसमें मेरे को दो शेडिंग करना है, पहले व्हाइट का शेडिंग मांगता है, बाद में ग्रीन रहेगा। तो आपका स्टेप क्या रहेगा, पहले व्हाइट कैंडल बना लो, उसमें व्हाइटनेस बढ़ाने के लिए शाइनर ऐड करो तो और भी अच्छा बनेगा। समझो मैंने थोड़ा क्वांटिटी व्हाइट मेल्टेड वैक्स इसमें भर दिया, इसको ऐसे थोड़ा मूव कर लो। अभी जैसे आप ये मूव करोगे तो इस सरफेस पे कहाँ ना कहाँ व्हाइट कलर वैक्स का लग जाएगा, फिर इसको रहने दो। अभी कुछ मोमेंट के बाद ग्रीन कलर आपका रेडी है, वो भर डालो। जैसे ग्रीन कैंडल आपने कलर भर दिया, कैंडल बन गई, डिमोल्ड करोगे तो आपका कैंडल ग्रीन कलर भी दिखेगा और कहाँ कहाँ पे व्हाइट शेडिंग भी दिखेगा। तो यूं भी हम इसको डबल कलर कर सकते हैं। तो आप इस तरह डबल कलर करके भी इसको नॉवेल्टी में ले जा सकते हैं। अच्छा, ये हमारा क्रिसमस ट्री का हो गया। वैसे सांता क्लॉज है, स्नोमैन है, ये भी आप बना सकते हैं। उसका इमेज एक आप नेट पे कहाँ भी देख लो कि क्या कलर वो लोग चेंज करते। तो नॉर्मली हम व्हाइट कैंडल बना लेते, समझो मैंने व्हाइट कैंडल बना ली, ये व्हाइट कैंडल आप इस तरह बना डालो। अब ये स्नोमैन है तो सिर्फ इतना एरिया में रेड कलर लगा दो। एक्रेलिक कलर आते हैं जो आपको मालूम है, ये इस तरह के रेड कलर, ये एक्रेलिक रेड कलर ले लो, पेंटिंग कर दो, आपका ये मॉडिफाई हो जाएगा। तो हम व्हाइट कलर बनाएंगे, इसमें यहाँ रेड कलर करके इसको डिफरेंस कर देंगे। अब ये स्नोमैन है, ये सांता क्लॉज का कैंडल है, इसमें आपको मालूम रहेगा दो कलर तो डिफरेंस रहता ही है, या तीन भी रहता है, समझो आप इमेज भी देख लेना। अभी मेरा मेन कलर यहाँ ट्री है, उसको ग्रीन दिखाना है तो ग्रीन कलर ले लो। आपको ये भी मालूम रहेगा कैसे चौक पेंट आता है, वो ग्रीन लगा दिया मैंने तो मेरा ट्री ग्रीन कलर का दिखेगा। अच्छा, ये पेंटिंग वगैरह आप जो भी करो वो प्रॉपर क्या यूज करना वो आपको मालूम है या मैंने बताया वही, लेकिन इसको ड्राई होने के लिए भी आपको रुकना पड़ता है, तो वो भी ध्यान में रखना।
और आप मेरे सब वीडियो देखोगे ना तो कुछ न कुछ टिप्स समझो मिलेगी। कभी कोई चीज हमारा रिपीट नहीं होता है तो आगे के वीडियो में वो डिटेल्स मिल जाती है। तो अभी मेरे ये सांता क्लॉज का कैंडल है, यह मैं ग्रीन कलर कर दूंगा, चेंज हो गया। इनको कैप जहाँ भी है वहाँ रेड कलर कर दूंगा, चेंज हो गया। समझो कहाँ ये बेल्ट या कुछ दिखाना है तो आप ब्लैक कलर कर दो या कोई भी कर दो। समझो हमने ज्यादा कलर नहीं भी किया, थोड़ा चेंज किया तो इसका पूरा लुक चेंज हो जाता है। यानी इसमें आपका दो ही चेंज रहेगा, कैंडल व्हाइट रहेगी लेकिन ये ट्री हमारा ग्रीन रहेगा और कैप हल्का सा रेड रहेगा, पूरा कैंडल का गेटअप अपना चेंज हो जाएगा। ये आइसमैन भी है तो आपको पूरा कलर करने का कोई जरूर नहीं, सिर्फ कैप का ये रेड कर दो, चेंज हो जाएगा। तो आप इसको भी यूं चेंज कर सकते। अच्छा, पेंटिंग का स्किल है आपको, ट्राई करो तो कुछ और भी चेंज चाहे तो कर सकते, नहीं तो इतने से भी हमारा इनफ हो जाता है। एक कैंडल मैंने देखा था, इन्होंने ये कैप को सिल्वर कलर लगा दिया था, कैंडल रेड कलर में बनाया और यहाँ सिल्वर, तो गेटअप उसका चेंज हो गया। तो वैसे आप कुछ और भी मॉडिफाई करके देख सकते हो। जहाँ हमको व्हाइट कलर दिखाना पड़ता है ना, नॉर्मली लोग वहाँ सिल्वर कलर यूज कर देते, तो ऐसे में प्रेजेंटेशन में सिल्वर कलर भी आप कहाँ यूज कर सकते। तो क्रिसमस ट्री का आप समझ गए, ये सांता क्लॉज आइसमैन भी समझ गए। अच्छा, अभी क्या आप चेंज कर सकते? तो ऐसा छोटा सा मोल्ड आता है कैप का है, ये समझो क्रिसमस कैप के नाम पे, ये ले लो, रेड कलर बना दो। अच्छा, ये आपका कैंडल बन गया लेकिन इसको और चेंज करना है तो कंटेनर ले लो, ऐसा टीले के डब्बी आती है वो, इसमें थोड़ा व्हाइट वैक्स भर डालो, ऊपर ये रेड कैप लगा दो, आपका ये क्रिसमस के लिए थीम का कैंडल बन जाएगा। तो यूं भी हम चेंज कर सकते। एक ये भी डिजाइन है, एक्चुअल क्रिसमस ट्री नहीं है लेकिन लोग इसको क्रिसमस ट्री में यूज करते, ये इसका मोल्ड है। अभी ये मोल्ड मैंने भर लिया रेड कलर, इसको यहाँ सिल्वर कलर दे दिया तो भी ये मेरा क्रिसमस थीम हो जाएगा। ऑल्टरनेट करना रहेगा तो इसको ग्रीन भरो, सिल्वर कलर लगा दो, आपका चेंज हो गया। और चेंज करना है तो पहले व्हाइट कलर भर दो थोड़ा, फिर ग्रीन भरो, कैंडल चेंज हो जाता है। तो वैसे अलग अलग लोग चेंज कर दे। अब क्रिसमस में मेन तीन कलर या चार कलर रहते, एक तो व्हाइट रहेगा, समझो व्हाइट है आपका, ग्रीन रहेगा, रेड रहेगा, तो वैसे आप वो कलर बना दो और कहाँ टचअप के लिए सिल्वर कलर यूज करो। अब ये हमने ग्रीन कलर का ही कैंडल बना लिया, पसंद आ गया लोगों को। अभी कहाँ चेंज करना है, जहाँ व्हाइट कलर दिखाना है वहां मैंने सिल्वर कलर मार दिया, लोगों को नया लगेगा। तो आप अपना कुछ मॉडिफाई करके भी इसको बना सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि छोटा टिप से आपको कहाँ ना कहाँ तो यूजफुल हो जाएगा। तो कैंडल बनाना करो, कैंडल को लिए भी थीम है तो कैंडल क्रिसमस के लिए बना लो। और कुछ ज्यादा जानकारी रहेगा तो आप मेरा कैटलॉग देख लो, जिसमें हमारे कैंडल जो है क्रिसमस से रिलेटेड उसका जानकारी मिल जाएगा। और आप जो कैंडल बनाना कुछ नहीं जानते और कैंडल में एंटर करना है तो मेरे कई सारे कोर्स है कैंडल मेकिंग के, तो वो मेरा व्हाट्सएप से आप कैटलॉग मंगा लो, सीखो, समझो, व्यवसाय करो और आगे बढ़ो। हमारा करीब 40 साल से भी ज्यादा पुराना ये ट्रेनिंग सेंटर है और कैंडल मोल्ड हमारा स्पेशलिटी है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग ये बिजनेस में एंटर करें, अपना सेल्फ एम्प्लॉयड करें, ये हमारा उम्मीद है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैप्पी बिजनेस। अभी जब हम इसका मोल्ड में कैंडल बनाना है तो पहले व्हाइट कलर आपको भरना है। तो ये मेरा व्हाइट कलर का वैक्स रेडी है, हम इसको फिल करेंगे और थोड़ा मूव कर देंगे, जिसके जरा ये जहां भी जाएगा अटेंडम वहां जाएगा, और बाद में ग्रीन कलर भरेंगे तो इस पे व्हाइट पेचिस या स्पॉट दिखेगा। तो ये वैक्स लिया हमने, ये समझो आपका मोल्ड है, थोड़ा सा वैक्स भर दिया, अटेंडम इसको घुमा दिया,
ये घुमा दिया, ये मोड़ लिया, इसमें भी वैक्स डाल दिया, एट रैंडम घुमा दिया, आपको डिफरेंस दिखेगा तो अच्छा है। तो ये समझो वैक्स इस तरह अंदर चला गया। अभी ये मोल मेरा रुक जाएगा थोड़ा टाइम के लिए, तब तक मेरा दूसरा वैक्स मेल्ट होकर हम फिल करेंगे। तो उसके बाद कैसे डिमोल्ड करेंगे वो हम आगे देखेंगे। अच्छा, हमने कल देखा था कि इसमें डबल कलर भरने का है, तो ये जो कैंडल सिंगल कलर है ये डबल कलर से निकला, ये आप देख रहे हैं। तो मैंने यहाँ वीडियो में डिस्प्ले में रखा है। ये बबल कैंडल भी हम बना सकते हैं क्रिसमस थीम से, ये दो कलर भरो, ये छोटा कैप रखो वगैरह। अच्छा, अभी इसमें मेरे को डबल कलर करना है। एक प्रोसेस आपने देखा, तो दूसरा प्रोसेस है जिसमें हम व्हाइट वैक्स ले लेंगे। मोल मेरा रेडी है। अब ये व्हाइट रंग मैं इस तरह स्पून से पोर करूंगा, एट रैंडम जहां भी जाएगा वहां ये जाएगा। हमें वैक्स ज्यादा नहीं लेना है व्हाइट का, इसलिए थोड़ा सा लेते हैं। ये आप अपने मोल में समझो हमने भर दिया। अच्छा, जैसे ये हमने भर दिया, दूसरा वैक्स हम ग्रीन भर डालेंगे, तो जो भी इम्प्रेशन दिखेगा कुछ अलग ही दिखेगा। तो इस तरह आप कर दोगे। अभी जैसे आपने देखा, ये हमने दो कलर बनाया तो कुछ आईसी लुक दिखता है। ये सिंगल कलर आप देख सकते हो, सेम वे ये सिंगल कलर है, मैंने इसको भी डबल कलर कर दिए, तो ऐसे लुक हो जाएगा। तो थोड़ा स्किल वर्क है, थोड़ा प्रैक्टिस से जम जाएगा। ये आजकल बबल कैंडल का बहुत डिमांड है, तो मैंने इसको इस तरह बनाया, रेड और व्हाइट। ये टी लाइट कंटेनर है पॉलीकार्बोनेट, ये हमने छोटा सा कैप बना लिया है, ये कैप इसमें रख दिया है, रेड व्हाइट का कॉम्बिनेशन कर दिया है। ये हार्ट फेमस रहता है, इसमें दो कलर भरा। तो ये सारे कैंडल के थीम जो है वो हम लोग क्रिसमस के लिए करते। अभी हम इसमें वैक्स भरेंगे, डिमोल करेंगे, और इमेज जो बन निकलेगा वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। थैंक यू। अच्छा, अभी कुछ और टिप्स मैं यहाँ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, ये समझो मैंने कैंडल बना ली, फिर व्हाइट एक्रेलिक कलर आता है वो ले लो। समझो व्हाइट एक्रेलिक कलर आपने ले लिया, छोटा स्पंज का टुकड़ा ले लो, व्हाइट कलर को लगाओ और कैंडल पे जस्ट टच करते जाओ, तो इस तरह ये आइस का इम्प्रेशन आप कर सकते हैं। तो ये एक टिप्स हो गया कि आप व्हाइट एक्रेलिक कलर से स्पंज से ये कर सकते। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, समझो ये हमारा कैंडल बन गया है। ऐसा टूल्स मिलता है जिसको डॉट मंडला के लिए यूज करते हैं, बारीक पतला आता है। समझो मैंने यहाँ रेड कलर ले लिया, वही अपना एक्रेलिक, हम एक्रेलिक कलर ही यूज करते।
ये रेड में इसको डिप किया और यहाँ टच कर दिया, ये डॉट बन जाएगा। वापस किया, डॉट बन गया। तो आप पूरे कैनल पे ऐसा डॉट क्रिएट कर सकते हैं। ये जस्ट आपको एक प्रेजेंटेशन के लिए दिखाया है, बाकी हमारा स्टेप डिप किया, टच किया, परफेक्ट राउंड आ जाता है। तो डॉट मंडला का ये टूल्स आता है, एक्रेलिक कलर ले लिया, ये हमारा स्टेप हो गया। अभी एक स्टेप मैं आपको ये बताऊंगा कि हम वैक्स गरम करेंगे या हम माइक्रो वैक्स ले लेंगे, क्यों तो ये बरोबर स्टिक हो जाता है क्या बने हुए कैंडल पे। तो मैंने माइक्रो वैक्स ले लिया, इसको हम मेल्ट करेंगे, इसमें रेड कलर डाल देंगे, ऑयल कलर जो आप जानते हैं। कुछ पॉइंट कैंडल मेकर जानते हैं, मैं सिर्फ आपको हिंट देता हूँ। तो हम ऑयल कलर ले लेंगे, डार्क कलर बना लेंगे। अभी जो मैंने कलर मेल्ट किया ये माइक्रोवेक्स से, उसको ड्रॉपर से लेके हम ड्रॉप से ले लिया और यहाँ ड्रॉप छोड़ते जाओ, कुछ अलग ही डिजाइन क्रिएट हो जाएगा। तो यूं भी हम इसको कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारा मेल्टेड वैक्स है जो मैंने रेडी करके रखा है। ये आपका कैंडल है, ये ड्रॉपर आपने ले लिया, इसको वैक्स भरा थोड़ा सा। ये सारे चीजें स्किल है, थोड़ा प्रैक्टिस से आपको जमेगा। ऐसे ड्रॉप इस पे छोड़ते जाओ। अभी और भी एक अलग स्टेप देख लो, हम क्या करेंगे, वैक्स मेल्ट करेंगे, कलर डालेंगे, छोटा सा स्टील का चम्मच ले लेंगे, चम्मच हमने ले लिया, एक कैंडल बना हुआ है, इसको टच करेंगे, डिप करेंगे, टच करेंगे, तो यूं भी हम डॉट्स इस पे ला सकते। और इसको थोड़ी देर ठंडा रखेंगे, होने देंगे, तो ये बरोबर स्टिक हो जाएगा। और समझो आपका कोई ड्रॉप गलत गिर गया बाय चांस, तो इमीडिएटली आप मैचस्टिक ऐसा कुछ सॉफ्ट आइटम से उसको डिलीट कर सकते हैं टेम्पररी। और जैसे आपको पहले बताया, वैक्स ठंडा नहीं होवे इसलिए इसको हॉट प्लेट पर रखने का, आप इसको पॉज करके रख सकते हैं, तो इसका टेम्परेचर उतना स्टैंडर्ड रहता है। मैं आशा करता हूँ कि छोटा सा टिप्स आपको कहाँ ना कहाँ काम आएगा। ऑल द बेस्ट। अच्छा, मेरे निरल बिजनेस इंस्टीट्यूट में कई प्रोडक्ट का ट्रेनिंग मिलता है, तो आप अपने घर बैठे छोटे मोटे प्रोडक्ट बना के अपना गृह उद्योग कर सकते हैं। चाहे आप गृह उद्योग भी करो या हॉबी डेवलप करो, अपना छोटा सा बिजनेस कर सकते हैं। तो जैसे अगरबत्ती बनाना, मेनबत्ती बनाना, ग्लिसिन साबुन बनाना, स्प्रे बॉटल, फिनाइल, लिक्विड सॉप, तो ऐसे करीब 300 से ज़्यादा प्रोडक्ट का ट्रेनिंग मेरे यहाँ मिलते हैं। आप चाहे तो व्हाट्सअप करो, मैं आपको मेरा पूरा डिटेल का कैटलॉग भेज देता हूँ। और यदि कोई आपका फ्रेंड को कुछ बिजनेस शुरू करना रहेगा, चाहे आपका फ्रेंड्स हो, रिलेटिव हो, तो उनको भी आप मेरा रेफरेंस देना, मेरा कैटलॉग मंगा लोगे तो आपको सब जानकारी मिल जाएगी। थैंक यू।